हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नंबर टेन सर्कल्स इसके हम एनसीआर टी कर रहे हैं तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर नाइन से लेके क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक ऑलरेडी हम इससे पहले 10.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर एट तक भी कम्प्लीट कर ली थी टेन उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दूसरी बात इसकी आज वर्कशीट मैं अपलोड करूंगी टेलीग्राम पे तो उसका लिंक जो ज्वाइनिंग का है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और बाकी जो सर्कल्स की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होते हैं आप वहां से जाकर कोई भी लिंक ओपन करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं तो आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर नाइन अब यहाँ पर इस फिगर में चेक करो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो दो पार्लर्ट टेंजेंट्स हैं तो आपको दिखाई दे रही हैं दो पार्लर्ट टेंजेंट्स हैं ठीक है और यहाँ पर सर्कल है विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट है ए बी मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास तीन टेंजेंट्स हैं विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी विच टच द सर्कल और यहाँ पर ए पॉइंट पे वो टच कर रही है ऊपर वाली टेंजेंट को और बी पॉइंट पे टच कर रही है वो नीचे वाली टेंजेंट को ठीक है हमें यहाँ पर शो करना है कि ये जो एंगल है ए ओ बी ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो हमें ये यह चीज़ यहाँ पर क्या करनी है प्रूव करनी है ओके तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर ना ओ और सी को ज्वाइन करेंगे ठीक है ताकि हम ये जो रीजन है वो डिफ्रेंशिएट कर सके अब यहाँ से ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पर इस रीजन में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास एक का नाम है ओ पी ए या ए पी ओ बोल सकते हो ए सी ओ ठीक है ये दो ट्राइंगल्स हैं हम इनको कॉन्ग्र प्रूव करेंगे ठीक है तो यहाँ से सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राएंगल ए सी ओ यहाँ से ए पी और ए सी जो हैं वो इक्वल हैं क्योंकि सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है ये ए और इसकी जो टेंजेंट है वो इक्वल होंगी है ना तो हम यहाँ से रीजन मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है तो यहाँ पर ये यह रीज़न हम मेंशन कर देंगे ओके तो मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ठीक है ये हमारी थ्यूरम होती है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है दूसरा रीजन क्या बनेगा ओ ए जो ओ ए है वो दोनों में क्या है कॉमन है है ना और तीसरा रीज़न क्या बनेगा हमारे ओ पी और जो ओ सी है ये हमारे रेडियाई है ठीक है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रा ए पी ओ ट्राइंगल ए सी ओ के कॉन्ग्रेंट है बाई एस 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 ठीक है तो यहां पर ऐसे 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 है यहाँ पर तो ये एंगल वन है और ये एंगल क्या है टू है हम मान लिया तो एंगल वन जो एंगल टू के इक्वल है बाय सी पी सी टी ठीक है ओके राइट अब यहां से इस पूरे एंगल को मैं सपोज करूँगी ये एंगल पूरे एंगल को सपोज करूंगी एंगल थ्री तो एंगल थ्री किसके इक्वल है एंगल वन प्लस एंगल टू के इक्वल है ये आपको बाद में पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया है है? इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी फिलहाल के लिए अभी ऐसे लिखिए राइट ऐसे ही सेम हम ऊपर वाला जैसे पोर्शन किया है ऐसे ही हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है ओ सी बी क्यू वाला पोर्शन इसमें भी हमारे पास ये देखो दो ट्राइंगल्स है।, है ना दो ट्राइंगल्स है सिमिलरली हम इनको भी प्रूव करेंगे तो हम यहां से ही डायरेक्टली लिख देते हैं ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी ठीक है यहाँ से मेंशन करोगे ओ क्यू और ओ सी जो हैं वो रेडियस हैं ओ बी ओ बी कॉमन है और बी क्यू और बी सी टेंजेंट्स हैं ठीक है सेम जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल प्रूव किया है ठीक है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी आप चाहे तो यहाँ पर सिमिलरली वर्ड भी यूज़ कर सकते हो ठीक है सिमिलरली वर्ड यूज़ करके और यहाँ से लिखोगे कि ये एंगल फोर है और ये एंगल फाइव है तो एंगल फोर जो एंगल फाइव के इक्वल है बाय सी पी सी टी ठीक है ये हो गया अब इस पूरे एंगल को मैं सपोज करूंगी एंगल सिक्स ठीक है तो एंगल सिक्स हो गया एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इसको भी हम बाद में यूज करेंगे ठीक है ये हमारी फिगर हो गई और जहां से जो हम निकाल सकते थे अब ध्यान से देखो इस फिगर में है क्या देखो ये दो पैरल टेंजेंट्स हैं ठीक है और इसके बीच में एक और ये टेंजेंट है जब भी ऐसे दो पैरल लाइंस होती हैं और इसके बीच में ऐसे लाइन होती है तो ये वाली जो लाइन होती है इट एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल है ना यही है तो ट्रांसवर्सल तो सम इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमर्सल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम जो है इस एंगल का नाम मैंने क्या दिया था एंगल थ्री और इस एंगल का नाम क्या दिया था एंगल सिक्स ठीक है यानी कि यहाँ से एंगल थ्री प्लस सिक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया वन डिग्री के इक्वल हो गया यहाँ से ये बात क्लियर होगी गई अब एंगल थ्री किसके इक्वल है एंगल वन और एंगल टू के बट एंगल वन एंगल टू के इक्वल है यहाँ से हमने पता करा था तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे यहाँ से अब फिगर को ना थोड़ा साफ करके मैं आपको बताती हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं तो यहाँ से इस फिगर के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए ठीक है ये वाला एंगल का मतलब है एंगल टू चाहिए और ये वाले एंगल का मतलब है यहाँ से मुझे एंगल क्या चाहिए फाइव चाहिए यही था ना और ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है अगर मुझे किसी तरह से एंगल टू और फाइव की वैल्यू मिल जाए तो मुझे तीसरा एंगल मिल जाएगा ट्रा में जो कि मैं नाइनटी प्रूव करना चाहती हूँ है ना तो यहीं से करेंगे अब एंगल टू चाहिए एंगल वन नहीं चाहिए तो एंगल टू की जगह पर भी मैं एंगल वन की जगह पे भी टू ही डाल देती हूँ तो यहाँ से मुझे मिल गया एंगल थ्री जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल टू है ठीक है अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए मुझे चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है जिस जैसे आपने सपोजिशन की है तो एंगल फाइव है ये हो गया एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव एंगल सिक्स जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव है ठीक है अब यहाँ पर पुट करो ट्वाइस ऑफ एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो यहाँ से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ से टू और फाइव की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिल रही है नाइन्टी डिग्री मिल रही है है ना अब ट्राइंगल ए ओ बी में चलो ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल ए ओ बी वन हंड्रेड डिग्री है टू प्लस फाइव की वैल्यू कितनी है नाइन्टी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एंगल ए बी कितना आ गया 90 डिग्री हैंड्स प्रूफ ठीक है आप चाहे तो इनको एंगल्स को आप नाम भी लेकर कर सकते हैं ठीक है जैसे ये पी ए सी एंगल नाम है क्यू बी सी वो थोड़ा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है इस तरह से ये बहुत आसान हो जाता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे अब यहाँ पर देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट तो यहाँ पर मैंने एक देखो सर्कल बनाया है जिसका सेंटर है ओ ठीक है अब यहाँ पे पी एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ मान लेते हैं पी क्यू और पी आर जो हैं वो क्या हैं हमारी टू टेंजेंट्स हैं तो हम यहाँ पर गिवन में लिख सकते हैं कि पी को एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी क्यू एंड पी आर बी द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ठीक है ये हो गया हमारे पास तो हमें प्रूव क्या करना है उसने कहा हमें प्रूव करना है कि जो हमारी एंगल बन रहा है बिटवीन द टू टेंजेंट्स तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ये वाला एंगल है इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर ठीक है तो अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पर मतलब ये वाला एंगल जो है और इन दोनों एंगल्स का सम वो बोल रहा है वन एटी है सप्लीमेंट्री ये प्रूव करना है हमें तो मतलब क्यू पी आर ठीक है प्लस एंगल क्यू ओ आर इसको हमें प्रूव करना है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देती हूँ ठीक है पी और ओ को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स कंसिडर हो गए और दो ट्राएंगल्स को पहले मैं प्रूव करूंगी कॉन्ग्रोइेंट सो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर एंड इन ट्राइंगल ओ आर पी ठीक है बहुत सिंपल है सबसे पहले पी क्यू और पी आर जो है वो वही लिखेंगे हम रीज़न यहाँ पर मैं लिखूँगी नहीं लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्राम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है टेंजेंट्स बराबर होती हैं ओ क्यू और ओ आर जो हैं वो क्या है रेडियाई है और जो ओ पी ओ पी है हमारा इसमें कॉमन है ठीक है ये चीज़ें आ गई तो ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ओ क्यू आर टू ट्रायंगल ओ आर पी ठीक है बाय एस 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 ठीक है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं मान लेती हूँ कि एंगल वन और टू है ये और ये एंगल थ्री और एंगल फोर है तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल है एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल है बाय सी पी सी टी यहाँ तक तो हम पहुँच गए ठीक है बट मुझे तो ये पूरा एंगल चाहिए था ये एंगल वन प्लस टू चाहिए था तो मैं इस पूरे एंगल को मान लेती हूँ एंगल फाइव और इस पूरे एंगल को मान लेती हूँ एंगल सिक्स तो नेट शैल में बात की जाए तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स जो है वो वन हंड्रेड एट्टी डिग्री के इक्वल है नेट शैल में मुझे ये प्रूव करना है ठीक है अभी मैंने कहा कि एंगल फ़ाइव अगर मैंने इस पूरे को माना है तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू और एंगल वन एंगल टू के तो बराबर ही है ठीक है तो मैं यहाँ पर यहाँ पर एंगल आ, टू की जगह पर क्या करूँगी एंगल वन ही लिख लूँगी तो एंगल फाइव जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल वन हो गया ठीक है इसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा ठीक है अभी फ़िलहाल फर्स्ट इक्वेशन मार्क करिए एंगल सिक्स जो है वो भी मैंने कहा कि एंगल थ्री और फोर के बराबर है ठीक है इसी तरह से एंगल थ्री ले लूँगी और फोर की जगह पर भी थ्री लिख लूँगी क्योंकि थ्री और फोर क्या हैं इक्वल हैं तो एंगल सिक्स हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री ठीक है इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लो ठीक है इस फिगर को मैंने थोड़ा सा क्लियर करती हूँ अब आपके लिए ठीक है ये मेरा ये फिगर है exactly, ठीक है इस तरह से है राइट right? यहाँ पर मेरा एंगल वन है और यहाँ पर मेरा एंगल थ्री है ठीक है अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूँ ठीक है सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल की ये वाला ओ क्यू पी वाले की बात करूँ इन ट्राइंगल ओ क्यू पी ठीक है ओ क्यू पी की बात कर रही हूँ तो ये जो है ये रेडियाई है और ये क्या है टेंजेंट है रेडियाई क्या होती है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है ना तो ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ठीक है पी क्यू की डैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया 90 हो गया तो एंगल आ, हम लिख सकते हैं यहाँ से ओ क्यू पी जो है वो 90 डिग्री का है सो so, एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एंगल वन प्लस थ्री की वैल्यू कितनी आई नाइन्टी डिग्री है, है ना यही आ गई अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूँ ठीक है ये वाली से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूँ तो मेरे को क्योंकि ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि फाइव प्लस सिक्स चाहिए तो एंगल फाइव प्लस सिक्स क्या बन रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल थ्री ट्वाइस मैंने कॉमन ले लिया और एंगल वन प्लस थ्री की वैल्यू कितनी है नाइन्टी है वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ सो so एंगल फाइव प्लस सिक्स आपका क्या बन गया वन हंड्रेड एटी डिग्री बन गया ठीक है जब आप इस तरह से एंगल सपोज कर लेते हैं ना तो कोई भी थ्योरम जो है वो प्रूव करनी आसान हो जाती है ठीक है हैंड्स प्रूफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे अब यहाँ पर देखो प्रूफ द दैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल इज अ रोमबस तो मैंने यहाँ पर देखो फिगर बना रखी है क्या किया है एक सर्कल बनाया है और उसके आइट साइड पर मैंने ये पेलेग्राम बनाया है हमें शो करना है कि ये जो ए बी सी डी मैंने पेलेलोग्राम बनाया है ये एक रोम्बस है ठीक है तो ये हमारी फिगर बनेगी ठीक है गिवन में हम क्या लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के साथ ही हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल ए बी सी डी के इक्वल है ए डी बी सी के इक्वल है ये हमें पता होता है क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं हमें प्रूव करना है ए बी सी डी रोम्बस है रोम्बस है मतलब क्या प्रूव करना है कि हमें चारों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं ठीक है ना जैसे स्क्वायर में उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं रोमबस में भी उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं ठीक है तो प्रूफ कैसे करेंगे सबसे पहले अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन से हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होती है वो बराबर होती है ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए की ठीक है तो हम अगर ए की बात करें तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा ठीक है अब इसका हम रीजन क्या लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ठीक है ये हम रीजन इसके साथ मेंशन करेंगे दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट है बी ठीक है यहां पर सेम लाइन आएगी बी के साथ हम क्या करेंगे बी आर इज इक्वल टू बी क्यू है ना यही आएगा हमारे पास सेम रीजन के साथ एक्सटर्नल पॉइंट सी के साथ कैसे लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी एस ऐसे ही आएगा एंड लास्ट डी के साथ डी पी इज इक्वल टू डी एस ठीक है सबके साथ जो रीजन है वो हमारा सेम ही रहेगा ठीक है तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन ठीक है तो हम सबको सारी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं एड कर रहे हैं सो ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस ठीक है प्लस डी एस अब ए पी प्लस डी पी आप देख सकते हैं ए पी प्लस डी पी क्या बना रहा है ए डी ठीक है बी आर प्लस सी आर क्या बना रहा है हमारा बी सी देन ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया ए बी और सी एस प्लस डी एस हो गया हमारा सी डी ठीक है तो यहाँ से हमें मिल गया कि ए डी प्लस बी सी जो है वो ए बी प्लस सी डी के इक्वल है ठीक है ये हमें रिजल्ट मिला है जो, जो हमने यहाँ तक निकाला है बट हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी हमें क्या गिवन है पैलेलोग्राम गिवन है है ना पैलेलोग्राम गिवन है और उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है है ना तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो देखो ए डी को अगर मैं बी सी पुट करूँ तो बी सी प्लस बी सी ठीक है और ए बी और सी डी की जगह पर भी ए बी पुट कर दो पुट कर सकती हूँ क्योंकि ऑपोजिट साइज इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ बी सी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा टू टू कैंसिल तो बी सी किसके बराबर आ गया ए बी के इक्वल आ गया यानी कि हमने क्या किया ये वाली जो साइड है वो इस साइड की हमने क्या कर दी प्रूव कर दी ऐसे ही आप सिमिलरली बाकी साइड्स भी कर सकते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख लो लिख लोगे कि सिमिलरली ए बी जैसे बी सी के इक्वल है वैसे ही सी डी के इक्वल भी आ जाएगी और डी ए एक के इक्वल भी आ जाएगी सो देअर फोर जो ए बी सी डी है ठीक है आपको ये सारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती सिर्फ आप एक स्टेप करके दिखा सकते हैं बाकी आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर्स ऑल्सो ठीक है एंड सो ए बी सी डी इज अ रॉम्बर्स हैंस प्रूव्ड नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल एबीसी तो ये आपको दिख रहा है फिगर में ट्रायंगल एबीसी एक सर्कल ड्रॉन है विद सेंटर ओ ठीक है इसका रेडियस है फोर सेंटीमीटर यानी कि ये जो ओ डी की वैल्यू है वो फोर सेंटीमीटर है सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी ये जो नीचे वाली बी सी लाइन है इसको डिवाइड किया गया है सिक्स और एट सेंटीमीटर में ठीक है फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी तो सिंपल सी जो चीज़ फिगर में गिवन है वही वहाँ पर स्टेटमेंट वाइज लिखी गई है हमें यहाँ पर बेसिकली ए सी साइड और ए बी साइड को फाइंड करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये सर्कल है ठीक है और सर्कल के तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं यहाँ पर ए बी और सी ठीक है अगर सबसे पहले अगर ये डी है तो इसको मैं मान लेती हूँ ई e, ठीक है और इसको मैं मान लेती हूँ एफ़ ठीक है अब यहाँ से अगर बात करें कि अगर ये सिक्स सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी एफ और सी डी इक्वल होगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी ठीक है तो एक्सटर्नल पॉइंट सी से हम लिख सकते हैं सी एफ़ और सी डी जो है वो सिक्स सेंटीमीटर हैं बोथ ठीक है रीजन मैंने आपको बता दिया आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट मैं ले रही हूँ बी यहाँ पर बी देखो बी ई और बी डी की वैल्यू भी सेम होगी मतलब ये भी क्या होगा एट सेंटीमीटर होगा ठीक है तो जो हमने ए बी और ए सी फाइंड करनी थी उसकी मैंने हाफ ऑफ वैल्यूज तो देखो फाइंड करके दे दी हैं

ठीक है ये तो बात होगी जो जो हमें फिगर में गिवन था अब जो ए सी साइड है वो आपकी पूरी जो साइड है वो कितनी बनी है ये बनी है x प्लस सिक्स ठीक है और ये जो ए बी साइड है वो बनी है आपकी x प्लस एट तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड x इस तरह से आप ए सी और ए बी दोनों ही फाइंड कर पाएंगे ठीक है बट ये थोड़ा ईजी uh, नहीं है इस तरह से तो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले हम ओ सी ओ बी और ओ ए को ज्वाइन करेंगे ठीक है तो ये मैंने तीनों को कर दिया ज्वाइन ठीक है तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूँगी ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी ठीक है ये हो गया मेरे पास उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड करूँगी एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी ये भी आपको पता चल जाएगा क्यों फाइंड कर रहे हैं हम देखो ओ सी बी का एरिया फाइंड कर रहे हैं देखो ये है ओ ये है सी और ये है बी ठीक है इस जो ये वाला ट्राएंगल है इसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं ठीक है वॉट इज़ द एरिया ऑफ ट्राएंगल हाफ इंटू बेस इन हाइट ठीक है तो बेस कितना है देखो सिक्स प्लस एट फोर्टीन ठीक है और हाइट कितनी है फोर सो so, हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो सेवन फोरजा ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये मेरा फर्स्ट एरिया ट्राइंगल आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी दूसरा का दूसरे ट्राइंगल कौन सा है दूसरा ट्राइंगल ये देखो ये है ओ सी है ये देखो ये इस तरह से मार्क्ड है ठीक है अगर मैं आपको शेड करके दिखाऊं तो अब आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल होंगे तो जो मैंने पहला वाला कैलकुलेट किया था ये ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया है अब मैं येलो वाले का फाइंड करने जा रही हूँ तो उसका नाम है हमारे पास ओ सी ए ठीक है हाफ इन टू बेस इंटू हाइट ठीक है हाफ इन टू बेस क्या है इसका x प्लस सिक्स है ठीक है ये पूरी लाइन और हमारा जो हाइट है वो कितना है फोर है ठीक है क्योंकि रेडियस क्या है फोर है तो अगर ओ डी फोर है तो ओ ए भी फोर होगा ठीक है और ओ बी भी फोर होगा और ओ सी भी फोर ही होगा ठीक है यहाँ से ये हो गया सो टू टू ज फोर टू इंटू एक्स प्लस सिक्स ठीक है तो इसको मोर स्पेसिफिकली अगर लिखना चाहे तो टू एक्स प्लस टू सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये मैंने फाइंड कर लिया येलो वाले जो येलो वाला पोर्शन है मतलब येलो वाला ट्राएंगल है उसका एरिया फाइंड किया अब अगर मैं ब्लू वाले का फाइंड करूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका नाम क्या है ओ बी ए ठीक है हाफ़ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस एक्स प्लस एट है और आपका जो हाइट है वो फोर है टू टू ज फोर टू इंटू एक्स प्लस एट यानी कि टू एक्स प्लस सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब हम ये एरियाज फाइंड क्यों कर रहे हैं अब हम बेसिकली क्या करेंगे हमने एक ट्राइंगल के अंदर तीन ट्रायंगल्स थे उन सभी का एरिया फाइंड कर लिया ठीक है अब हम सबसे बड़ा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो है वो फाइंड करेंगे उनको इनके साथ इक्वेट करेंगे और हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी ठीक है इसके लिए हम अपनी नाइन्थ क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे ठीक है क्या फॉर्मूला होता था जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था हम हेरोस फॉर्मूला यूज करते थे यहां पर भी हम वही चीज करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड एस एस सेमी सेमीपेरीमीटर ठीक है तो एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू ए क्या है यहाँ पर ए क्या है पहली साइड मतलब ए सी साइड यानी कि एक्स प्लस सिक्स ठीक है और आपकी जो सॉ एक्स प्लस सिक्स बी क्या है आपकी एक्स प्लस एट और सी क्या है आपकी फ़ोर्टीन है ना सी ए सिक्स प्लस एट फोर्टीन तो इससे हम एस कैलकुलेट करते हैं एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट प्लस फोर्टीन डिवाइड बाई टू तो ये हो गया टू एक्स प्लस फोर्टीन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी एट डिवाइड बाई टू ऊपर से टू कॉमन आ जाएगा तो x प्लस फोर्टीन डिवाइड बाई टू 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 कैंसिल तो s आया है इसका x प्लस फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है ये आया हमारे पास s इसका सेमी सेमीपेरीमीटर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये हमारा है रॉन्स फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट है ना पुट द वैल्यूज ठीक है एस क्या है आपका एक्स प्लस फोर्टीन ठीक है x प्लस फोर्टीन ए की वैल्यू क्या है x प्लस सिक्स है तो माइनस सिक्स हो जाएगा देन x प्लस फोर्टीन माइनस एक्स माइनस एट और x प्लस फोर्टीन माइनस फोर्टीन है ना ये चीज़ हो गई तो यहाँ से कैंसिल कर दिया जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर आ गया पहली ब्रैकेट में x प्लस फोर्टीन यहाँ से x और x कैंसल यहाँ से x और x कैंसल फोर्टीन में से सिक्स गए एट 14 में से 8 गए 6 और लास्ट वाली ब्रैकेट में से क्या बचा हमारा x बचा ठीक है तो ये हमारे पास रह गया अब यहाँ से ये हो गया x प्लस फोर्टीन ठीक है और इसके साथ हम x रख देते हैं और 8 और 6 कितने होते हैं 48 होते हैं ठीक है तो ये हमारे पास नट शैल में एरिया आ रहा है हमारा 14 प्लस एक्स ठीक है इसको मैं सही से करके लिख देती हूँ 14 प्लस एक्स इंटू फोर्टी एट एक्स राइट ये मेरा एरिया आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी का ठीक है अब मैंने जो तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ निकाले थे वो मैं पहले रिवाइज करवा देती हूँ आपको पहले तो मेरा जो ये नीचे वाला ट्राएंगल है ओ सी बी का इसका एरिया आया था मेरे पास ट्वेंटी एट ठीक है इस वाले का एरिया आया था येलो वाला जिसको मैंने सपोज किया था उसका आया था ट्वेल्व प्लस टू एक्स ठीक है और जो सबसे लास्ट वाला ये ओ ए बी वाला है इसका आया था सिक्सटीन प्लस टू एक्स ठीक है इन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है इन सभी को यहाँ पर इज इक्वल टू कर देंगे ट्वेंटी एट तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ फिर कराती हूँ तो यहाँ से ये टोटल करके आ जाएगा फिफ्टी सिक्स प्लस फोर एक्स ठीक है और ये वाला हम इस तरह से ही अभी रहने देते हैं ठीक है फोर्टीन प्लस एक्स फोर्टी एट एक्स ठीक है तो यहाँ से इसका अंडर रूट अब हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से पहले हम एक चीज़ और करेंगे इसकी राइट साइड पे इसका फोर हम ले लेंगे कॉमन ठीक है अंदर आ जाएगा हमारे पास फोरटीन प्लस एक्स ठीक है फोर्टीन प्लस एक्स साथ में फोर्टी एट एक्स इसका रूट अब हम अंडर रूट को उठाने के लिए क्या करेंगे एस बी एस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो यहाँ पर फोर्टीन प्लस एक्स इंटू फोर्टीन फोर्टी एट एक्स ठीक है फोर इंटू फोर्टीन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है यही चीज़ हो गया तो फोर्टीन प्लस एक्स फोर्टी एट एक्स इसका हो स्क्वायर ओपन मत करना तो आप देख सकते हो कि एक फोर्टीन प्लस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा फोर्टीन प्लस एक्स फोर्टीन प्लस एक्स सीधे सीधे कट हो गए ठीक है हमारे पास क्या बच गया फोर्टी एट एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू फोटीन प्लस एक्स यही हो गया सिक्सटीन को इधर ले आओ फोर्टी एट एक्स डिवाइडेड बाई सिक्सटीन इज वल टू फोर्टीन प्लस एक्स तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू फोटीन प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन तो x आ गया आपका सेवन ठीक है तो x आपका सेवन आया है ये ऑलरेडी आपकी साइड जो है वो सिक्स सेंटीमीटर है और ये आर का एक्स जो है वो एक्स हमारा निकल गया सेवन तो यानी कि ए सी साइड क्या होगी ए सी साइड आई थर्टीन सेंटीमीटर तो यानी कि ए सी की वैल्यू है थर्टीन सेंटीमीटर और इधर ये इतना एट सेंटीमीटर है ठीक है और ये हमारा जो एक्स आया एक्स प्लस एट है यानी कि सेवन प्लस एट यानी कि फ़िफ्टीन सेंटीमीटर तो साइड आपकी ए बी जो आई है वो कितनी आई है फिफ्टीन सेंटीमीटर आई है ठीक है सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो प्रूव that द opposite sides ऑफ अ quadrilateral सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल तो यहाँ पर मैंने quadrilateral बनाया है जो कि कर रहा है एक सर्कल को सर्कल है विद द सेंटर ओ ठीक है तो ये आप देख सकते हैं और ये quadrilateral है ए बी सी डी इज अ क्वारिनेटर दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल कहा गया है सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल तो इसका मतलब है हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ए ओ बी और सी ओ डी अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स हैं वो सप्टेंड करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि पहले लिख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है तो एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी को प्लस करके हमारे पास वन एटी डिग्री बनना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री यानी कि ये वाला एंगल AOD ए डी प्लस बी ओ सी ठीक है एक को प्रूफ करेंगे फिर लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर वन ऑल्सो तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रूफ के लिए हमें यहाँ पर ओ ई ओ एच ओ एफ और ओ जी सभी को क्या करना होगा ज्वाइन करना होगा ठीक है तो हम यहाँ से देखो मैं यहाँ से सबको ज्वाइन कर रही हूँ तो ये देख सकते हो आप ओ E ओ F एफ ओ जी और ओ एच को मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पर हम ए प्रूफ से पहले एक और पॉइंट लिखेंगे दैट इज़ आवर कंस्ट्रक्शन ठीक है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया ज्वाइन ओ ई ओ एफ ओ जी एंड ओ एच ठीक है अब हम करते हैं इसका प्रूफ तो अब यहाँ से देख सकते हो कि हम क्या करेंगे अब यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पर ना ये वाला इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स लेंगे यहाँ से ये वाला हाफ़ बॉक्स लेंगे बाकी सबको बोल देंगे सिमिलर प्रो तो यहाँ से हम दो ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ठीक है तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकेंड ट्रायंगल है तो हम इसके नाम लिख लेते हैं इन ओ एच ठीक है एंड ट्रायंगल ए, -ए है? तो मैंने क्या किया ए एच और ए ओ ई वाला ट्राइंगल ले लिया अब सबसे पहला रीज़न क्या आ सकता है ए ओ ए ओ जो साइड है वो दोनों के बीच में कॉमन है ठीक है दूसरी चीज़ ओ OH एच और ओ ई वॉट इज दिस ओ एच और ओ ही हमारे क्या हैं रेडियाई हैं, है ना तो रेडियाई है देन वी हैव ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो ए AH एच और ए ई क्या होंगे इक्वल होंगे ए एच इज इक्वल्स टू ए ई ये क्या है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point are equal, ठीक है ये हमारे तीन रीजन हो गए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ एच है दिस इज कॉन्ग्रोवेंट टू ट्रा AOE ए ओ ई बाई एस 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 सिमिल एस 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 कॉन्ग्रोवेंसी ठीक है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं और अगर यहाँ पर हम एंगल वन माने और ये एंगल टू मान लें ठीक है तो एंगल वन और एंगल टू क्या हो जाएंगे एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बाय सी पी सी टी ठीक है सिमिलरली हम बाकी सारे भी ले सकते हैं जैसे हमने ये वाला बॉक्स ले लेंगे ठीक है ये वाला बॉक्स ले लेंगे और इसमें एंगल थ्री और एंगल फोर को प्रूव करेंगे ठीक है तो हम सभी को प्रूव नहीं करेंगे अब सिमिलरली लिख के लिखेंगे एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर ठीक है और फिर इस बॉक्स के लिए लेंगे एंगल अं� फाइव और एंगल सिक्स ठीक है एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स और लास्ट वाले के लिए लेंगे एंगल सेवन एंड एंगल एट ठीक है तो ये सारे जो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ठीक है ये हम अलग अलग ट्राइंगल्स लेके फिर इनको क्या करेंगे प्रूव करेंगे ठीक है आप चाहें तो सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं अब हमें पता है कि देखो ये जो एंगल वन है एंगल टू है एंगल थ्री है एंगल फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये टोटल मिलकर क्या बना रहे हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सर्कल है ना ठीक है अब हमें ये जो फर्स्ट वाला प्रूव करना है एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इसके लिए हमें कौन कौन सा एंगल चाहिए देखो ध्यान से अगर देखोगे तो तो यहाँ से एंगल ए ओ बी के लिए ये दो एंगल्स चाहिए एंगल टू और थ्री चाहिए तो हम एंगल वन की जगह पर एंगल टू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं और एंगल थ्री हमें चाहिए तो इसको ऐसे रहने देते हैं एंगल फोर की जगह एंगल थ्री लिख देते हैं फिर सी ओ डी प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर सिक्स और सेवन की ज़रूरत है ठीक है तो सिक्स और सेवन रहने देते हैं बाकियों को दूसरी जगह मतलब फाइव की जगह पर सिक्स लिख देते हैं ठीक है सेवन ऐसे रहने देते हैं एट की जगह पर भी सेवन लिख देते हैं ठीक है तो ये सारे ट्वाइस हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री ट्वाइस ऑफ एंगल सिक्स ट्वाइस ऑफ़ एंगल सेवन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अब एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या है एंगल ए ओ बी एंगल सिक्स प्लस सेवन क्या है एंगल सी ओ डी और ये टू उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है हो गया प्रूफ ऐसे ही हम ये सिमिलरली ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं ए ओडी प्लस बीओ सी क्या करेंगे इसके लिए हमें चाहिए एंगल वन और एट चाहिए तो आप क्या करेंगे टू की जगह पे वन लिख देंगे ठीक है तो चाहे तो आप यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हैं सिमिलरली हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज ऑल्सो इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव करना है एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर टेन सर्कल्स तो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए और बाकी की वीडियोस के लिंक्स जो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं इंट्रोडक्शन वीडियोस के तो वो भी आप ज़रूर जाकर देखिए कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए रिवाइज़ करिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू